देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नैंसी सेठी। आप सभी जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव 2019 का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज पहले चरण की वोटिंग शुरू हो चुकी है और 20 राज्यों में मतदान जो है अभी भी चल रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हर एक नेता के मन में बस यही सवाल है कि उस राजगद्दी पर कौन बैठेगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है श्रुति, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कांग्रेस के एक ऐसे नेता के बारे में जो हर वक्त ही खबरों में बने रहते हैं और उनका नाम है राहुल गांधी। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी जो है अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि 6 मई को अमेठी में मतदान शुरू होंगे और उनके अपोजिट जो खड़ी हैं वो है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इनकी रैली की, रोड शो की, तो साफ तौर पर यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की रैली में जितनी जनता है उस मुताबिक स्मृति ईरानी की रोड शो में यहाँ पर जनता को नहीं देखा गया। हमारे साथ श्रुति मौजूद है, पहले श्रुति से जानेंगे कि अमेठी में जहाँ पर राहुल गांधी का वो गढ़ बताया जाता है और 3 बारी वो सांसद वहां से रह चुके हैं, तो क्या लगता है ये जो टक्कर है, ये जो मुकाबला है वो कितना दमदार होने वाला है? नैन्सी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे शो में बुलाया। मैं दर्शकों को जो सबसे पहले बात बताना चाहूंगी वो ये है कि अमेठी को सिर्फ राहुल गांधी का गढ़ ही नहीं, उसे कांग्रेस का गढ़ बताया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस को अगर 2 बार छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हर बारी यहाँ से कांग्रेस का ही कोई ना कोई सांसद खड़ा हुआ है और जीता है, वो चाहे गांधी परिवार से हो या फिर कांग्रेस का कोई और प्रत्याशी ही क्यों ना हो। अब राहुल गांधी की जब हम बात करते हैं तो ये बात हमें देखना पड़ेगा कि राहुल गांधी पिछले 3 बार से, जब ये कहा जा रहा था 2014 में, जब ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर मोदी लहर चल रही है, पूरे यूपी में मोदी लहर देखने को मिल रही थी, लेकिन इस सीट पर स्मृति ईरानी को हरा कर एक बार फिर से राहुल गांधी सांसद बने थे। तो ऐसे में यहाँ पर एक बार बीजेपी को सोचना चाहिए कि आप एक ऐसे प्रत्याशी को खड़ा कर रहे हो दोबारा से जिसको राहुल गांधी ने हरा दिया है। हो सकता है कि यहाँ पर बीजेपी को स्मृति ईरानी के किए गए कामों से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यहाँ पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी आ सकती है, लेकिन अगर हम ग्राउंड जीरो की बात करें तो ये देखा जाता है कि ग्राउंड जीरो पर हमेशा से ही अमेठी के लोग ये कहते हैं कि हम कांग्रेस को ही वोट करेंगे। और यही चीज जो है जो आपने बताया दर्शकों को कि कांग्रेस और बीजेपी की रैली में यही डिफरेंस आया, वहां पर लोग इतने ज्यादा जमा हुए क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस से दिल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस से सिर्फ दिल से जुड़े हुए हैं इसलिए वोट करते हैं, कांग्रेस ने वहां पे काफी सारा काम भी किया है, एक बंजर जमीन को उपजाऊ बना देना। बिल्कुल सही कहा श्रुति ने कि अमेठी में राहुल गांधी ने काम किया है और पिछली बारी भी वो स्मृति ईरानी से हारे थे। बिल्कुल सही कहा श्रुति ने कि जिस तरह से अमेठी में यहाँ पर राहुल गांधी ने काम किया है और पिछली बारी भी वो स्मृति ईरानी से इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, एक बारी सेम कैंडिडेट को खड़ा करना, तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हाँ हमारी मतलब मोदी लहर है तो शायद इस बारी स्मृति ईरानी आ जाएगी। मगर अगर रैली की बात की जाए जो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जनता अब एक बारी दोबारा से कांग्रेस को मौका देना चाहती है, है ना? बिल्कुल नैन्सी, देखिए आपने कहा कि मोदी लहर, जो मोदी लहर 2014 में देखी गई थी जिसके वजह से बीजेपी को यूपी से 71 सीटों पे फायदा मिला था, वो 71 सीटों पे जीते थे, वो मोदी लहर इस बार नहीं देखी जा रही है। ये सारे सर्वेज में बता दिया गया है कि इस बार वो मोदी लहर नहीं देखी जा रही है। तो जब मोदी लहर थी तब स्मृति ईरानी यहाँ से नहीं जीत पाई, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि 2019 में जब प्रधानमंत्री मोदी की ही पॉपुलैरिटी में गिरावट आई है तो स्मृति ईरानी कैसे जीत सकती है। हालांकि यहाँ पर स्मृति ईरानी के पास एक पॉइंट है कि वायनाड से इस बार राहुल गांधी ने
एक और सीट से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, तो यहाँ पर उसको मुद्दा बना के स्मृति ईरानी ने जरूर राहुल गांधी को घेरने की कोशिश की थी, पर राहुल गांधी ने उस पर भी एक चाल चल दिया। उन्होंने नामांकन स्मृति ईरानी से पहले ही कर दिया, उन्होंने 10 अप्रैल को ही नामांकन कर दिया, जबकि स्मृति ईरानी ने आज यानी कि 11 अप्रैल को उन्होंने नामांकन किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं अपनी अमेठी की जनता को अपना वोट जो है देने के लिए। सही कहा श्रुति ने कि राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आपको एक चीज और बता दें कि स्मृति ईरानी ने आज जैसे ही नामांकन को भरा वैसे ही उन्होंने राहुल गांधी पे निशाने भी साधे। उन्होंने कहा कि राहुल कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ महज वो बातें कर रहे हैं। खैर, देखने आने वाला वक्त जरूर बताएगा कि राहुल बातें ही कर रहे थे, क्या इस बारी भी स्मृति ईरानी को मुंह की खानी पड़ेगी। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। श्रुति का शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही, पर हाँ, आप जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।